टर्किश विलॉग सीरीज में खुश आमदेद। आज हमारा लास्ट डे था इस्तांबुल में और आगाज़ हमारा दिन का तकसीम स्क्वायर में हुआ एज़ यूजुअल। और उसके बाद हमने यहाँ पे नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया और टाइम स्पेंड किया अंटिल 4 o'clock। और उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है इस्तांबुल का। आप जब भी जाएं ज़रूर एयरपोर्ट का डिपार्चर और आप उनकी खूबसूरती देखेंगे। बहुत वेल मैनेज्ड और बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट था। और ऑल इन ऑल हमारा बहुत अच्छा इस्तांबुल का टूर। जी आज लास्ट डे है और हम लंदन की तरफ वापस जा रहे हैं और बहुत अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पे और 12 दिन हमने गुजारे यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। और कुछ डेज हमारे प्राइवेट थे, कुछ मैंने व्लॉग्स किए। आई होप आपको व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत डिटेल। तकसीम स्क्वायर बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस। और हम अभी से मिस करने लग गए थे तकसीम स्क्वायर को, आज के दिन से ही। व्हाट अ प्लेस। और यहाँ पे बैठ के हमने जोहर की नमाज का वेट किया। नमाज के बाद मौसम काफ़ी अच्छा था, गर्म था, तो हमने कहा क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। बर्गर किंग की 11 लीरा की बेहतरीन आइसक्रीम आपको मिलेगी। और उसके बाद हम डिसाइड कर रहे थे कि चिकन शवारमा में कौन सा ज़बरदस्त जो ऑप्शन है वो हम लें। 20 लीरा का आपको पर चिकन शवारमा यहाँ पे मिलता है तकसीम स्क्वायर में। लंच के बाद हमने बिल्कुल रिलैक्स किया और इस्तकलाल स्ट्रीट की खूबसूरत और लवली वाइब को एंजॉय किया। बिल्कुल रिफ्रेशिंग फीलिंग यहाँ पे आती है। और हम अभी से ही मिस करने लग गए थे इस्तकलाल स्ट्रीट को। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की मैंने, दो इस्तांबुल की बहुत ही खूबसूरत कैप्स ली और एंजॉय किया हमने थ्रू आउट। और हमारे अभी एयरपोर्ट टैक्सी आने के लिए अभी 2 घंटे बाकी थे, तो हमने कहा क्यों ना यहाँ पे ही स्पेंड किए जाएं। व्हाट अ प्लेस इस्तकलाल। फाइनली तकसीम स्क्वायर को हमने खैरबाद कहा और उसके बाद चल पड़े अपने होटल जहाँ पे हमारा टैक्सी वाला वेट कर रहा था। और टैक्सी कमाल टैक्सी, लग्जरी टैक्सी, बहुत ही खूबसूरत हमें लगी। थैंक्स टू booking.com टू अरेंज फॉर अस फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज। गाइस हम वापस जा रहे हैं
एयरपोर्ट में, और एक एडवाइस देनी थी कि जब भी आप booking.com से टैक्सी अगर आपने बुक करवानी है तो 15-20 मिनट ज़्यादा जल्दी करवाएं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा तो टैक्सी थोड़ी सी लेट आती है, 15-20 मिनट। आज हमारी टैक्सी आधा घंटा लेट आई है, लेकिन हमने चेक इन ऑनलाइन किया हुआ था तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इजी काम हो गया, तो हमें इतना नहीं अफेक्ट हुआ। लेकिन इधर यूरोप वाला हिसाब नहीं, यहाँ अगर टैक्सी आपने 2:45 पे मंगाई है तो आपकी टैक्सी आएगी 3:15 पे, आधा घंटा लेट टैक्सी आपकी नॉर्मली हो जाती है, बिल्कुल इधर नॉर्मल है। तो ये ज़रूर रखिएगा जहन में कि टैक्सी जब भी आप यहाँ पे लें 15-20 मिनट पहले लें।
लंदन पहुंचते ही हम वापस अपने घर को रवाना हो गए। आई होप आपको टर्किश व्लॉग सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट में, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर व्लॉग्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।